हेलो एवरीवन, टैरोट विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की और आपकी आज की एनर्जी लेकर। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आप दोनों की आज की एनर्जीज कैसे रहने वाली है। तो शुरू करते हैं गाइस आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। हमेशा की तरह मेरे व्यूवर्स की एनर्जी होगी राइट साइड में, आपके पर्सन के लेफ्ट साइड में, और अगर आप सिंगल हैं सिर्फ राइट साइड की एनर्जीज को फॉलो कर सकते हैं। शुरू करते हैं आज की रीडिंग, देखते हैं किस एनर्जी में रहेंगे आप दोनों। सो ये है गाइज आपकी एनर्जी और ये आपके पर्सन की। आपकी तरफ पहला कार्ड वी हैव टू ऑफ फायर, थ्री ऑफ वाटर, सेवन ऑफ एयर, लव, लवर्स की एनर्जी है, ट्रांसफॉर्मेशन, दैट इज़ द कार्ड ऑफ डेथ। देन वी हैव क्वीन ऑफ अर्थ, ओवरऑल एनर्जी है एट ऑफ फायर। कुछ लोगों का आज के दिन ऑफिस में सडनली कोई नोटिस मिल सकती है, या सडनली आपको ट्रांसफ़र का कोई खबर दिया जा सकता है, कहीं दूर भेजा जा रहा है, या आपको ऐसा लगेगा कि आपके ऑफिस में अगर कोई बॉस है उससे आपकी कोई हीटेड आर्ग्यूमेंट हो सकती है। ये तीन एनर्जी सबसे पहली निकल कर आई हैं। इसके अलावा अगर आप नो कांटेक्ट में हैं, अपने पर्सन से आपकी बातचीत नहीं हो रही है, तो आज के दिन बहुत सारे लोगों की बातचीत होगी, मैसेजेस आएंगे, कॉल्स आएंगे, मूवमेंट नज़र आ रही है। ट्रैवलिंग की एनर्जी भी है आज के दिन। कुछ लोगों को अनएक्सपेक्टेडली ट्रैवल करना पड़ सकता है, या तो फिर आपके घर से कोई दूर जा रहा है उसमें ही आप बिज़ी रहेंगे उनकी पैकिंग या उनका जो भी रास्ते का सामान है, और या तो आप खुद दूर जा रहे हैं। कुछ लोगों के लिए आज का दिन लवर्स की एनर्जी है विथ थ्री ऑफ वाटर। तो अगर आपका बर्थडे है या उनका बर्थडे है, या आप दोनों में अगर सेपरेशन है, तो लव लाइफ के लिए बहुत ही अच्छा दिन है। बहुत सारे यूनियंस होंगे, बहुत सारे लोगों का बातचीत होगा, बहुत सारे लोगों की कनेक्टिविटी बढ़ेगी। और अगर आप कॉन्टैक्ट में हैं ऑलरेडी और बहुत टाइम से चीज़ें थोड़ी सी लो थी, आप दोनों में बातचीत नहीं हो रही थी, आप दोनों में बहुत ज़्यादा रोमांटिक बातचीत नहीं हो रही थी, तो सडनली आप देखोगे कि आप दोनों के बीच में आज के दिन में कनेक्शन अच्छा बनेगा। एक दूसरे के साथ मुलाकात हो सकती है, बातचीत हो सकती है, ओवरऑल एनर्जी पॉजिटिव है। अब आते हैं नेगेटिव एनर्जीज पर। कुछ लोगों के लिए आज का दिन ऐसा है जो कि स्पेशली पूरा दिन आप वेस्ट कर दोगे। सुबह हो सकता है आप लेट उठो, या आज के दिन आप ऑफिस ना जाओ अगर आप वर्किंग हो तो, या आज के दिन लेट हो जाओ अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हो या ऑफिस में जाते हो तो लेट हो सकता है। और आज के दिन कुछ लोगों का कोई इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट मिस हो सकता है, कोई सामान गायब हो सकता है, फ़ोन या लैपटॉप गायब हो सकता है। तो इन चीज़ों को अगर आप ये रीडिंग सुबह देखते हैं तो सतर्क रहिएगा। गोल्ड पहन के अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आज के दिन सतर्क रहिएगा। इसके अलावा कुछ लोगों के लिए आज का दिन सेलिब्रेशन का है, तो आपके घर में या आपके कहीं पार्टी में जा सकते हैं, किसी ऐसी जगह जा सकते हैं जहां शादी हो, बर्थडे हो, एनिवर्सरी हो, कोई पूजा पाठ हो, क्योंकि सेलिब्रेशन नज़र आ रहा है। इसके अलावा वी हैव क्वीन ऑफ अर्थ विद ट्रांसफॉर्मेशन। कुछ लोगों के लिए आज कोई बैड न्यूज़ है, और ये जो बैड न्यूज़ है ये डेथ से रिलेटेड है। किसी की मृत्यु की खबर सडनली आपको सुनाई दे सकती है कि किसी की मृत्यु हो गई, या कोई बहुत सीरियस है, एडमिट है, इस तरह की कोई खबर कुछ लोगों को सुनाई दे सकती है। लेट्स चेक आपके पर्सन के हालचाल कैसे रहेंगे आज के दिन में। पहला कार्ड है मैसेंजर ऑफ वाटर, फोर ऑफ एयर, जस्टिस,
सेवन ऑफ अर्थ, नाइन ऑफ वाटर, टेन ऑफ अर्थ, ओवरऑल एनर्जी है टेन ऑफ एयर। सो आज का दिन कुछ ऐसा है जैसे आपके पर्सन की लाइफ में कुछ कंप्लीट होने वाला है। जो भी कंप्लीट होने वाला है वो इनकी इच्छा थी। करियर वाइज आज का दिन आपके पर्सन के लिए बहुत अच्छा है। इनको कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है। बहुत पेशेंटली ये आज का दिन अपना बैलेंस्ड वे में आगे बढ़ाना चाहेंगे। कोई बेनिफिट हो सकता है, कोई प्रॉफिट हो सकता है, फैमिली टाइम बहुत अच्छा हो सकता है, किसी जगह दर्शन पूजा इत्यादि के लिए जा सकते हैं। अगर कोई कोर्ट कचहरी का मैटर चल रहा है तो उसमें भी आज का दिन रिजल्ट्स इनके फेवर में आ सकते हैं। साथ ही साथ आज का दिन इमोशनल लेवल पे ये बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड एनर्जी में है, तो अगर आपसे बातचीत हो रही है तो ये बहुत ज़्यादा रोमांटिक कन्वर्सेशंस कर सकते हैं। बहुत इमोशनल लेवल पे आपसे बातचीत हो सकती है। आपकी तरफ भी ये चीज़ें नज़र आईं और यहाँ पर भी नज़र आईं। लेकिन अगर ये इमोशनली डिप्रेस्ड हैं, क्योंकि ओवरऑल एनर्जी वी हैव टेन ऑफ एयर विद मून विद फाइव ऑफ वाटर, कुछ लोगों के पर्सन इमोशनली डिप्रेशन में है, एंग्जाइटी है, टेंशन है, गुस्से में है, तो ऐसा अगर आपके पार्टनर के साथ हुआ एनर्जी, तो जो मैंने पॉजिटिव चीज़ें कही हैं उसके बिल्कुल ऑपोजिट होगा। फोर ऑफ एयर, ब्रेकअप हो सकता है, पॉइंटलेस आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं लव लाइफ में, फैमिली को लेकर या अदर सिचुएशंस को लेकर झगड़े, कलेश, बहुत ज़्यादा तू तू मैं वाली एनर्जी। तो ये आपको जज करना है, आपको ये जज करना है कि आपके पार्टनर का बिहेवियर कैसा है। अगर सुबह सुबह ही आपके पार्टनर का बिहेवियर ऐसा है, गुस्से में है या इमोशनली डिप्रेस्ड है, तो आपको उनसे दूर रहना है। अगर आपके पार्टनर जैसे डेली बिहेव कर रहे हैं वैसे ही हैं, देन इट्स ओके। कोशिश करिएगा अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा एफर्ट्स आज मत लगाइएगा। इसके अलावा आज के दिन कुछ लोगों के पर्सन की कोई अधूरी इच्छा पूरी होने वाली है, जैसे इनकी कोई विश रही हो बहुत लंबे समय से जो कि पूरी ना हुई हो, तो आज के दिन पूरी होगी। इसके अलावा आज का दिन इनको कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है रिलेटेड विद बेबी, जैसे इनके घर में कोई गुड न्यूज़ आए, या इनके घर में किसी का प्रमोशन हो, इनके घर में अगर कोई शादीशुदा कपल है तो उससे रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ हो सकती है। मतलब एनी हाउ इनको आज के दिन कोई गुड न्यूज़ मिलेगी। इसके अलावा क्योंकि आज शनि की एनर्जी बहुत पावरफुल नज़र आ रही है आपके पार्टनर की एनर्जी में, और वैसे भी अब शनि मार्गी होंगे, डायरेक्ट होंगे, शनि डायरेक्ट होंगे तो उनके क्या इफ़ेक्ट्स होंगे इस पर मैं आपको आज 14 तारीख है ना, हाँ, तो आज ही मैं आपको इस पर वीडियो एक दे दूँगी, हर राशि या लग्न के हिसाब से शनि डायरेक्ट होने के क्या इफ़ेक्ट्स होंगे, तो इस पर मैं आपको वीडियो दे दूँगी। तो इसका भी इफ़ेक्ट आपके पर्सन की एनर्जीज़ पर बहुत ज़्यादा पड़ेगा। देखिए जब भी सैटर्न डायरेक्ट होते हैं ना तो ये ब्लेसिंग्स देते हैं, तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। जैसा आपने किया है ना, जैसा आपने पेपर लिखा है उसके अकॉर्डिंगली रिजल्ट्स मिलने का राइट टाइम है। तो काफ़ी लोगों को, क्योंकि अब धीरे धीरे शनि कुंभ राशि से निकलकर अब राशि भी परिवर्तन होगी, इनकी मीन राशि में ट्रांजिट होने वाले हैं, और शनि मीन राशि में होंगे तो बहुत सारा चीज़ें बदलेगा आगे चल के, उस पर भी मैं आपको वीडियो दूँगी। फ़िलहाल अभी जो डायरेक्ट हुए हैं ना इस पर आपको वीडियो आज मिल जाएगी। सो ये थी गाइस आज की एनर्जी। मिलते हैं थोड़ी देर में एस्ट्रो विद एम सिंह में। और अच्छा, चिल्ड्रंस डे है ना, 14 नवंबर है ना आज, तो चिल्ड्रंस डे आज है। वही मैं सोची कि मैं कुछ बोल रही हूँ आज का दिन, अभी मैंने 14 नवंबर बोला ना तो मुझे कुछ कुछ लग रहा था मैं कुछ भूल रही हूँ क्या। तो चिल्ड्रंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं जितने भी बच्चे इस रीडिंग को देख रहे हैं, और खूब पढ़ाई लिखाई करिए, खूब नाम रोशन करिए, मस्त रहिए, अपनी ज़िंदगी को खुल के जिए, किसी का डर खौफ ना हो, डिसिप्लिन हो लेकिन फियरलेस बने, बिल्कुल फियरलेस, कॉन्फिडेंट, और हमेशा सही रास्ते पर अपने इंट्यूशन की सुनकर आगे बढ़ें। सो मिलते हैं एस्ट्रो विद एम सिंह में थोड़ी देर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।